नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फार्मा सेक्टर के जो बेहतरीन स्टॉक्स है, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, उसके सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर्स को भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फार्मा सेक्टर में भी कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। तो दोस्तों, सबसे पहला जो शेयर है हमारा लुपिन। दोस्तों, राकेश झुनझुनवा जी को काफी बेहतरीन रिटर्न दिया था। तो लुपिन जो है एक ऐसा स्टॉक है जो कि राकेश झुनझुनवा जी को इतना बेहतरीन रिटर्न दिया था कि वो अपने इससे एक मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त किए थे लुपिन से और टाइटन से, जिसके कारण वो जाने जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो लुपिन जो कि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लुपिन, इसका आपको वैल्यूएशन दिखा देते हैं सबसे पहले। तो लुपिन का जो वैल्यूएशन है 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और पी रेशियो 56, और जबकि इंडस्ट्री का 31 है, और डिविडेंड देखते हैं 300% का डिविडेंड देता है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.33 का है। उसके बाद आपको इसका कॉर्पोरेट एक्शन देख सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन में आप यहां पर देख लीजिए डिविडेंड रेगुलर हर साल देती है जो लुपिन है। उसके बाद बोनस भी दिया है 2006 में। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट देख सकते हैं, स्टॉक स्प्लिट से वो 5 गुना, मतलब अपने जो 5 गुना है अपने इन्वेस्टर के स्टॉक्स को कर दिया है। मतलब जो अगर आप 1,000 शेयर खरीदे होते हैं तो स्टॉक स्प्लिट से आपको 5,000 शेयर हो जाते, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर में से एक है। अब चलिए लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म चार्ट आप देखेंगे तो उससे भी बेहतरीन है जितना कि आप इसके और सारे वैल्यूएशन को देखते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर 2001 में आपको 2 रुपया दिखाएगा, लेकिन वास्तव में लुपिन का प्राइस जो था 2 रुपया नहीं था, वास्तव में वो 200 रुपया था। तो वहाँ से स्टॉक के स्प्लिट होने से वो 2 रुपया हो चुका है, और वहाँ से देख सकते हैं ये यहाँ से स्टॉक 2,000 रुपया पर गया। अगर ये 2,000 रुपया पर स्प्लिट नहीं हुआ होता तो ये स्टॉक्स अभी लाखों रुपया का एक स्टॉक्स होता, समझ सकते हैं। स्टॉक के स्प्लिट होने से, बोनस के कारण ये स्टॉक्स आपको इतने चीप वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, नहीं तो ये 2,000 रुपये का स्टॉक अभी 20,000 रुपया पर भी जा सकता था। तो समझ सकते हैं स्टॉक स्प्लिट मतलब कॉर्पोरेट एक्शन से लगातार ये स्प्लिट होते जाता है, जिसका इसका प्राइस आपको काफ़ी कम दिख रहा है। तो ये काफ़ी डिविडेंड भी दिया है, यहाँ पर चार्ट पर देखते हैं बार बार डिविडेंड भी दिया है। यहाँ पर जितना डी लिखा हुआ है डिविडेंड है, देखते हैं डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। एच लिखा हुआ है यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस ये बनाया है, जहाँ पर एल लिखा होगा यहाँ पर देखते हैं लोअर प्राइस, ये लो प्राइस है 0.76 पैसा। वास्तव में ये 0.76 पैसा नहीं है, बल्कि वो 70 रुपीज़ के आसपास था, वो बोनस और स्प्लिट होने के कारण कम हो गया है। तो अब इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसके फाइनेंशियल में देख लीजिए सेल्स लगातार देख सकते हैं, सेल्स कांस्टेंट रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज थोड़ा सा डिक्रीज। अब प्रॉफिट यहां पर देखते हैं, कंपनी बीच में लॉस दिखा रही थी, अब फिर से ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुका है मार्च 20 के अनुसार। अभी तो आप फार्मा सेक्टर में देख ही नहीं कि आग लगा हुआ है, काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद इसका हम बैलेंस शीट आपको दिखा देते हैं। तो कंपनी का यहाँ पर जाइएगा बैलेंस शीट में, रिजर्व 17,000 करोड़ के पास है कंपनी के पास, डेप्ट बिल्कुल जीरो है, 5 करोड़ ये कोई डेप्ट नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व ही 17,000 करोड़ है। उसके बाद नीचे जाइएगा कैश और बैंक बैलेंस, 1,300 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। उसके बाद देख सकते हैं बुक वैल्यू कंपनी का, तो यहाँ से बुक वैल्यू देख लीजिए 385 का बुक वैल्यू कंपनी के पास। तो कंपनी का बुक वैल्यू इधर पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, मतलब बुक वैल्यू एक तरह से कहिए तो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। अगर आप मार्च यहाँ पर कंपेयर करेंगे, यहाँ से 264 था बुक वैल्यू, अभी देखते हैं 385 हो चुका है, तो काफ़ी बुक वैल्यू भी बिल्डअप हुआ है। और भी जो भी रेशियो हो यहाँ से रेशियो में जा कर के आप देख सकते हैं। तो दूसरा जो बेहतरीन स्टॉक्स है फार्मा सेक्टर से, वो है हमारा डिवीज लेबोरेटरीज। दोस्तों इसका देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन है 58,000, पी रेशियो है 42, अभी इंडस्ट्री का है 31, और इसका डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 800% का, मतलब 16 रुपीज़ का डिविडेंड देता है, 16 रुपीज़ एक शेयर पे। उसके बाद यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो देख सकते हैं, जो प्राइस है बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है, 7.95 का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, फेस वैल्यू 2 का है। उसके बाद आप कॉर्पोरेट एक्शन देख सकते हैं, ये कंपनी यहाँ से आप कॉर्पोरेट एक्शन पे जाएंगे तो यहाँ से डिविडेंड देख सकते हैं, ये लगातार कॉन्स्टेंट हर साल डिविडेंड देते आया है देख सकते हैं। उसके बाद बोनस देख सकते हैं, कंपनी बोनस 2 बार दी है। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट, 1 बार स्टॉक स्प्लिट किया है 5 टाइम्स शेयर।
बोनस स्टॉक स्प्लिट से 5 गुना हो गया शेयर, फिर 1:1 का बोनस दो दो बार, मतलब 5 × 10 × 20 कर दिया है अपने इन्वेस्टर के शेयर को। उसके बाद आप इसके बैलेंस शीट को देखते हैं तो काफी बेहतरीन शेयर में से एक है। फिर आपको बैलेंस शीट दिखाने के बाद इसके चार्ट को दिखाते हैं, चार्ट पे भी ये काफी बेहतरीन दिखता है ये स्टॉक्स। तो यहाँ देख सकते हैं डिविज लेबोरेटरीज, यहाँ पर देख सकते हैं 7,263 करोड़ का कंपनी के ऊपर क्या है, रिजर्व है, कंपनी के पास रिजर्व है। और जो डेप्थ देख सकते हैं 33 करोड़, बहुत ही कम मामूली डेप्थ है कंपनी के पास। उसके बाद आप यहां से देख सकते हैं टोटल नॉन करेंट एसेट या करेंट एसेट, नेट करेंट एसेट देख सकते हैं 2675 करोड़ का है बुक वैल्यू कंपनी के पास। देख सकते हैं लगातार बुक वैल्यू बिल्डअप हुआ है, इसके बुक वैल्यू में कभी गिरावट भी नहीं हुआ, लगातार बुक वैल्यू बिल्डअप हुआ है। देख सकते हैं 275 का बुक वैल्यू कंपनी के पास। फिर कंपनी का अगर आप देखना चाहते हैं चार्ट तो यहाँ पर चार्ट पर आप क्लिक करेंगे। मनी कंट्रोल एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप हर कुछ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल टाइम पर जाइएगा, ऑल टाइम चार्ट पर देखने से ये पता चलेगा कि कंपनी अपने टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिखता है। तो यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में है, कभी भी चार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा करेक्शन आया था, यहाँ पर एक बार चार्ट में यहाँ पर करेक्शन आया था, फिर से कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं लगातार परफॉर्म किया और अपना जो चार्ट पर यहाँ करेक्शन आया था उस करेक्शन से काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो देख सकते हैं चार्ट भी काफ़ी बेहतरीन है इस कंपनी का, जब भी गिरावट आया फिर से वो परफॉर्म किया है ये कंपनी अपने चार्ट पर। तो 2004 से लेकर के अभी तक का चार्ट यहाँ पर, 2003 से लेकर के अभी तक का चार्ट यहाँ पर देखते हैं कितना अच्छा चार्ट है कंपनी का। तो यहाँ पर डी जो लिखा हुआ ये हर समय डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो बोनस है वो भी यहाँ पर दिया, बी लिखा हुआ है बोनस कब कब दिया है। तो हर चीज़ आप मतलब स्प्लिट हुआ है यहाँ पर शेयर, तो हर चीज़ आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कब बोनस दिया है, कब स्प्लिट, कब डिविडेंड दिया है, और चार्ट कैसा है कंपनी का। टेक्निकल चार्ट को भी एनालिसिस किया जाता है कि चार्ट कैसा है कंपनी का। जब जब गिरावट आया है देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा है, तो यहाँ पर छोटा सा चार्ट है लेकिन चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वॉल्यूम भी ये दिखाता है, जब गिरावट आया वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा, मतलब काफ़ी खरीदारी लोगों ने किया इस स्टॉक में। अगला है हमारा वो है सन फार्मा। दोस्तों जो फार्मा सेक्टर है उसके बेहतरीन स्टॉक में से एक है सन फार्मा। ये अपने इन्वेस्टर को 50,000% तक का रिटर्न दिया है। तो समझ सकते हैं फार्मा सेक्टर के भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने इन्वेस्टर को काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दिया है। लुपिन हो गया, सन फार्मा हो गया, डिवीज लैब हो गया, उसी तरह से आगे अजंता फार्मा, उसी तरह का आपको बहुत सारे स्टॉक्स हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं फार्मा सेक्टर के, जो बेहतरीन ब्लू चिप कंपनियों में से एक है। क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बताते चलते हैं हम। यहाँ पर आपने देखा लुपिन का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था, तो लुपिन का आपको 40,000 के आसपास था, तो देखते हैं 40,000। उसी तरह से सन फार्मा का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है पूरे फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, 1,14,000 करोड़ का देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन है सन फार्मा का। डिविडेंड देखते हैं 400% का डिविडेंड हर साल देता है, और ये स्टॉक्स मात्र देख सकते हैं काफ़ी 476 रुपीज़ के प्राइस पर मिल रहा है। वहीं और जो स्टॉक्स था लुपिन देखते हैं करंट प्राइस कितना है, 900। उसी तरह से आप जो है दूसरा जो डिविज लेबोरेटरी है उसका प्राइस देखते हैं 2,190 रुपीज़। तो सारे स्टॉक्स यहाँ पर आप इसका जो करंट प्राइस है वो भी देख सकते हैं, 476 रुपीज़ सन फार्मा का जो करंट प्राइस है। अब यहाँ पर आपने बात कर लिया पी रेशियो 35 का, जो कि इंडस्ट्री के लगभग इक्वल है। बुक वैल्यू यहाँ पर देखते हैं 101 का है, डिविडेंड 400% का। तो हर चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप कॉर्पोरेट टैक्सन में जाएंगे तो ये कंपनी काफ़ी बार बोनस दिया है, डिविडेंड भी रेगुलर पे करती है। तो देखते हैं यहाँ से 2020 में 300%, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में। उसके बाद बोनस पे क्लिक कीजिएगा, 3 बार बोनस पे किया है कंपनी देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट पे जाइए तो 2010 में स्टॉक स्प्लिट, 2003 में स्टॉक स्प्लिट, तो देखते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये। उसके बाद बैलेंस शीट पे जाइए तो देखते हैं रिजर्व कंपनी के पास 24,000 करोड़ का है। उसके बाद नीचे आते हैं तो सिक्योर्ड लोन कंपनी के ऊपर है 5,762, तो वहीं रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी बेहतरीन है। तो उसके मामले में मात्र 1/5 है डेप्ट कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है 1/5 है रिजर्व का, तो काफ़ी डेप्ट कम है कंपनी के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर कैश और बैंक बैलेंस 654 करोड़। उसके बाद नेट करेंट एसेट देखिएगा तो 6,971 करोड़, तो कंपनी के पास नेट करेंट एसेट भी काफ़ी बेहतरीन है। बुक वैल्यू कंपनी का पास देख सकते हैं लगातार बुक वैल्यू बिल्डअप हुआ है, अभी ऑल टाइम हाई पे है बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू भी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद अगला स्टॉक्स है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। दोस्तों बेहतरीन स्टॉक में से एक है, अभी करेंट प्राइस देख सकते हैं 3,920 रुपीज़ है, और इसका जो वैल्यूएशन देखिएगा
तो यहाँ से देख सकते हैं, हम वैल्यूएशन पर क्लिक करते हैं, डॉक्टर रेड्डीज का देख सकते हैं मार्केट कैप 65,000 है, जो कि सन फार्मा से भी काफ़ी कम है, लेकिन स्टॉक का प्राइस देखते हैं 3,920 रुपीज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा है इसका। उसके बाद यहाँ से आप पी रेशियो देखते हैं 22 का है, डिविडेंड देखते हैं 500% का है, मतलब 25 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड देता हर साल। उसके बाद यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन में जाते हैं, तो यहाँ से आप कॉर्पोरेट एक्शन में जा कर के देख सकते हैं कब कितना परसेंट डिविडेंड हर साल दिया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं हर साल डिविडेंड दिया है 2019, 2018, 2017, 2016। फिर बोनस देख सकते हैं, कंपनी बोनस काफ़ी बार दिया है, देखते हैं डॉक्टर रेड्डीज एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बोनस दिया है। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट पर क्लिक करते हैं, तो स्टॉक स्प्लिट भी एक बार किया है, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये भी, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, डिविडेंड भी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि 20 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर है। उसके बाद आप फाइनेंशियल पर चलते हैं, तो फाइनेंशियल पर आप जाते हैं तो देखते हैं कंपनी का जो सेल्स है लगातार यहाँ पर कांस्टेंट रहा है, कभी थोड़ा सा इंक्रीज, कभी थोड़ा सा डिक्रीज। प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी का प्रॉफिट भी कभी थोड़ा सा इंक्रीज, कभी डिक्रीज। थोड़ा सा दिसंबर क्वार्टर में निगेटिव में था रिजल्ट, मतलब कंपनी नेट लॉस पोस्ट किया था, उसके बाद फिर से कंपनी प्रॉफिट पर लौट चुकी है। तो इस तरह से देखते हैं कंपनी फिर से जो प्रॉफिट पाई, तो स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने मिला, क्योंकि इसका जो 52 वीक लो देखिएगा तो सीधे 2000 के आसपास है, 2000 से डायरेक्ट स्टॉक्स 4000 पे चला गया, तो जैसे कंपनी प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट की, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है इसका। अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहें तो बैलेंस शीट भी काफ़ी कंपनी का अच्छा है, चलिए बैलेंस शीट पर आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रिजर्व कंपनी के पास 15,000% का है, अति 15,000 का है रिजर्व कंपनी के पास, डेप्ट कंपनी के पास 1,000 करोड़ का है, तो कंपनी के पास डेप्ट कुछ खास नहीं, मामूली सा डेप्ट है 1,000 का, क्योंकि 15,000 तो कंपनी के पास रिजर्व भी है। तो कंपनी का सेल्स भी आपने देखा 8,000 करोड़ का है, तो काफ़ी कंपनी का सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कंपनी का यहाँ से बुक वैल्यू 914 का है, काफ़ी बुक वैल्यू बिल्डअप हुआ है, तो हर पैरामीटर्स पे ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है। अगला है हमारा अगला स्टॉक्स अजंता फार्मा, दोस्तों ये भी एक बेहतरीन स्टॉक्स है, जो कि काफ़ी बार इन्वेस्टर को बोनस शेयर भी दिया है, साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए है। सबसे पहले तो इसका करंट प्राइस देख लीजिए 1,411 रुपीज़ है, मार्केट कैप 12,000 का है, पी रेशियो 27 का है, तो इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम पी रेशियो पर आपको मिल रहा है। डिविडेंड 650% का डिविडेंड, जबकि फेस वैल्यू 2 है, मतलब 12 रुपीज़ डिविडेंड के रूप में देता है हर साल। या आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ डिविडेंड में जाइए, तो हर साल देख सकते हैं ये डिविडेंड पे करती है ये भी कंपनी। बोनस पे क्लिक कीजिए तो बोनस देख सकते हैं 2013 में दिया है। स्टॉक स्प्लिट पर क्लिक कीजिए तो देख सकते हैं फेस वैल्यू 2 का स्टॉक से, मतलब 5 गुना स्प्लिट से शेयर को किया है। फिर बोनस भी दिया है कंपनी 1:2 का, तो इस तरह से एक शेयर बन गया, कितना एक शेयर आपका 7 से 8 शेयर हो गया, तो समझ सकते हैं ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो चार्ट पे ये कंपनी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी आपको, ऑल टाइम्स चार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर चार्ट पर देखिए तो ये स्टॉक्स आपको फार्मा सेक्टर में सबसे बेहतरीन स्टॉक्स में से दिखेगा। यहाँ पर देख लीजिए मात्र 14 रुपीज़ का ये स्टॉक्स दिखेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 का ये हाई लगा चुका है, तो समझ सकते हैं कि 15 रुपया चार्ट पे दिख रहा है आपको, वहाँ से 2000 तक का जो कवर किया है ये यात्रा, वहाँ तक का जो ग्रोथ है इसका, तो कितना परसेंट का रिटर्न दिया होगा इन्वेस्टर का, काफ़ी हेल्दी रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को अजंता फार्मा ने। तो ऐसे ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स है फार्मा सेक्टर में, बस आपको चुनना है कि कौन से अच्छे स्टॉक्स है जिसके बिजनेस में आगे भी ग्रोथ हो, जिसका प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि मार्केट में अभी भी लीड करता हो। तो फार्मा सेक्टर के ऐसे प्रोडक्ट को आपको जाके सर्च करना पड़ेगा, जो फार्मेसी है, जो दवाई की दुकान है, उससे भी थोड़ा पूछताछ करना पड़ेगा। हर चीज़ मतलब जानकारी लेने के बाद आप इसको अच्छी तरह से रिसर्च कर पाएंगे। आपको इसके वेबसाइट पर जाना है, कंपनी की वेबसाइट पर, वहाँ देखना है कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट देखते हैं तो देखिए रिजर्व कंपनी के पास 2,400 करोड़ का है, कंपनी के पास डेप्ट बिल्कुल जीरो है, जीरो डेप्ट है। हर कंपनी के पास आप ना कुछ 5 करोड़ भी डेप्ट देखे होंगे, लेकिन इस कंपनी के पास बिल्कुल जीरो है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं डेप्ट जीरो हो गया, कैश और बैंक बैलेंस 87,000 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है कंपनी के पास। नेट करेंट एसेट जो है 795 करोड़ का है। उसके बाद बुक वैल्यू कंपनी का 280 है, तो काफ़ी बुक वैल्यू बिल्डअप हुआ है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। उसके बाद अगला स्टॉक है टोरेंटो फार्मा, अभी करेंट प्राइस देखते हैं 2,391 रुपीज़ है, मतलब
2400 के आसपास इसका प्राइस है। आज इसमें 40 रुपीज़ का देख सकते हैं हम तेज़ी देखा गया था और इसका मार्केट कैप 40,000 का है। पी डी सू 43 जो कि इंडस्ट्री से ज़्यादा है। डिविडेंड 640% का है जो कि आप यहाँ से देखते हैं 30 रुपये का डिविडेंड हो गया पर शेयर। उसके बाद चार्ट देखिएगा तो इस स्टॉक का भी चार्ट काफ़ी बेहतरीन है। आप ऑल टाइम पर क्लिक कीजिए, देखिए चार्ट कितना बेहतरीन है इस कंपनी का भी। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये सारे के सारे देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस पे चार्ट पर देखिए 2516 रुपीज़ का ये स्टॉक्स यहाँ से आप देख सकते हैं। ये 20 अभी देख सकते हैं 3000 तक ये प्राइस कवर कर चुका है। मात्र यहाँ पर आपको देख सकते हैं 20 रुपीज़ का स्टॉक्स हुआ करता था, वहाँ से ये 3000 तक का कवर कर चुका था। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दिया है ये स्टॉक्स आप समझ सकते हैं, कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक कीजिए तो काफ़ी ये हर साल डिविडेंड भी पे करती है स्टॉक्स देख सकते हैं। हर साल डिविडेंड एक साल में दो बार। उसके बाद बोनस पर क्लिक कीजिए तो देख सकते हैं दो बार बोनस भी दिया है स्टॉक्स। उसके बाद फेस वैल्यू पे स्प्लिट हुआ एक बार, मतलब इन्वेस्टर को हर तरह का रिटर्न, बोनस का रिटर्न, डिविडेंड का रिटर्न, उसके बाद ग्रोथ का रिटर्न, हर तरह का रिटर्न मिला है इस स्टॉक में। उसके बाद यहाँ से आप बुक वैल्यू देख सकते हैं, कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है। यहाँ से नीचे चलते हैं देख सकते हैं हम ओल्ड फॉर्मेट में गए, रिजर्व देख सकते हैं 5000 करोड़ का है, कंपनी के ऊपर डेप्ट 4000 का है। तो इसमें कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्ट भी ज़्यादा है, रिजर्व 5000 तो डेप्ट भी 4000 करोड़ का है। उसके बाद कंपनी का यहाँ कैश और बैंक बैलेंस देखिए 391 करोड़ का है। नीचे चलते हैं तो करंट एसेट 1100 करोड़ का है नेट करंट एसेट। उसके बाद बुक वैल्यू कंपनी का देखते हैं लगातार बिल्डअप हुआ है, 300 करोड़ का बुक वैल्यू है कंपनी के पास। उसके बाद अगला हमारा है ओबेटो इंडिया। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है ओबेटो इंडिया। इसका जब मार्केट कैप देखिएगा 33,000 का मात्र है, लेकिन इसका शेयर का प्राइस देखिएगा तो काफ़ी हाई है, देखते हैं 15,700 का। ये 18,000 से भी अबव का स्टॉक्स हुआ करता था, अभी कभी काफी करेक्शन पर 3,000 रुपीज का करेक्शन पे ये स्टॉक्स मिल रहा है। पी देखिएगा तो देखने 56 का है जो कि इंडस्ट्री के पी से काफी ज्यादा है। डिविडेंड देखते 2500 का, मतलब आप 2500 मतलब समझ सकते हैं कंपनी जो है 250 रुपये का डिविडेंड देती है पर शेयर, 250 रुपये का पर शेयर डिविडेंड पे करती है, तो काफ़ी बेहतरीन है। चार्ट देखेगा तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, तो यह काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। इसका चार्ट देखेगा लगातार अप ट्रेंड पे है, कभी आपको दिखेगा भी नहीं कि फार्मा सेक्टर कभी अंडर परफॉर्म था, देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया इन्वेस्टर को ये भी स्टॉक्स। देख सकते हैं 200 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी वहाँ से ये 18,000 का ये स्टॉक्स हो चुका है। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन में जाकर के आप इसका लगातार डिविडेंड पे किया है या नहीं वो देख सकते हैं। तो देखते हैं एक साल में दो बार डिविडेंड पे करती है कंपनी। उसके बाद यहाँ बोनस देख सकते हैं, काफ़ी बार बोनस दिया है ये स्टॉक्स, देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बार बोनस दिया है। उसके बाद स्प्लिट में जाते हैं तो अभी तक कोई फेस वैल्यू स्प्लिट नहीं हुआ है, 10 का 10 है फेस वैल्यू, तो सिर्फ इस कंपनी ने बोनस दिया है इन्वेस्टर को 5 बार। उसके बाद हम कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो चलिए हम नीचे चलते हैं बैलेंस शीट पर। कंपनी के बैलेंस शीट पर कितना डेप्ट है, कितना रिजर्व है कंपनी के पास, 2400 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, वही डेप्ट बिल्कुल कंपनी के पास जीरो है। उसके बाद आगे चलिए कैश और बैंक बैलेंस देखते हैं, 2197 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बुक वैल्यू कंपनी का 1144 इतना का बुक वैल्यू कंपनी के पास, तो बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है। तो सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स आप देख सकते हैं यहाँ, रेशियो में जाकर के रिटर्न और इक्विटी देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो देख सकते हैं, ऐसे भी कंपनी के पास डेप्ट जीरो है। उसके बाद अगला हमारा है अरविंदो फार्मा। दोस्तों अरविंदो फार्मा भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। इसका मार्केट कैप देखिए 45,000 करोड़ का है, पी रेशियो 24 का जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी कम है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 300% का है डिविडेंड जो कि 3 रुपीज़ पर शेयर हो गया, और इसका करेंट प्राइस देखते हैं 778 रुपीज़ है। और वहीं इसका कॉर्पोरेट एक्शन आप देखेंगे तो ये भी शेयर लगातार डिविडेंड पे करती है अपने इन्वेस्टर को, देखते हैं एक साल में दो बार। उसके बाद आप बोनस पर क्लिक कीजिए, 3 बार बोनस दी है इस कंपनी ने। उसके बाद स्प्लिट पर क्लिक कीजिए, देख सकते हैं स्प्लिट काफ़ी मतलब 10 से 1 किया है, 10 गुना शेयर यहाँ से हो गया। बोनस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तीन बार बोनस दिया है, तो 20, 20, 40, 40, 60 एक शेयर को 60 शेयर मतलब 1000 शेयर को 60,000 शेयर बना दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन ये भी स्टॉक्स है। और यहाँ से आप फाइनेंशियल पर जाकर के इसके फाइनेंशियल को देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स देख सकते हैं लगातार इंक्रीज हुआ है,
तो अरबिंदो फार्मा काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है और यहाँ से आप देखते हैं प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है। वहीं आप इसका बैलेंस शीट को भी देखते हैं कंपनी कितना प्रॉफिट मेक करती है हर साल। तो यहाँ चलते हैं नीचे, तो कंपनी के पास रिजर्व देखते हैं 12,966 का है, मतलब 13,000 के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। लोन कंपनी के पास 3,700 का है। उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस देखिएगा तो देखते हैं 78 करोड़ का मात्र कैश और बैंक बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बुक वैल्यू कंपनी का काफ़ी बिल्डअप हुआ है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा कैडिला हेल्थ। दोस्तों ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था कोरोना वैक्सीन लेकर के, हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन का न्यूज़ को लेकर के, तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी न्यूज़ में है अभी जब से हमारा पैंडमिक सिचुएशन है, कोविड 19 का सिचुएशन आया है उससे काफ़ी न्यूज़ में है। इसका मार्केट कैप जैसे 37,000 करोड़ का है, P/24 का है, इंडस्ट्री से काफ़ी कम है और डिविडेंड भी 350% का है, जो कि 3 रुपीज़ 50 पैसा हर साल हर पर शेयर पर डिविडेंड पे करती है। कॉर्पोरेट एक्शन पे जाएंगे तो आप इसके कॉर्पोरेट एक्शन को देख सकते हैं, डिविडेंड हर साल कंपनी पे करती है, देख सकते हैं हर साल। उसके बाद आप बोनस पर क्लिक करके बोनस देखते हैं, कंपनी दो बार बोनस पे की है। स्प्लिट पर क्लिक करके देखते हैं 5/1/2015 में इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ है। तो उसके बाद आप इसका डेप्ट देख सकते हैं, इसका कंपनी का कैसा फाइनेंशियल है वो देख सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ आप यहां से रिसर्च कर सकते हैं। ये जो अच्छे अच्छे फार्मा के स्टॉक्स हैं इसमें से 2-4 स्टॉक्स आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से चुनना है, आपको अपना खुद रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लेनी है। तो 11,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। उसके बाद नीचे देख सकते हैं डेप्ट कंपनी के पास 2,954 करोड़ का है डेप्ट कंपनी के पास। और नीचे चलते हैं तो कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास 385 करोड़ का है। बुक वैल्यू कंपनी के पास कितना है देखते हैं, बुक वैल्यू 109 का है। तो बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक्स है देखते हैं सिप्ला लिमिटेड। अभी करंट प्राइस है इसका 638 रुपीज़। वही आप कैडिला हेल्थ का जो प्राइस था 366 रुपीज़ था कैडिला हेल्थ केयर का, और जो अभी आप देख सकते हैं जो सिप्ला का प्राइस है वो है 638 रुपीज़। इसका मार्केट कैप देखिए 51,000 का है, डिविडेंड 200% का है, जो कि फेस वैल्यू 2 है, तो 6 रुपीज़ का डिविडेंड हो गया पर शेयर। वही कॉर्पोरेट एक्शन देखिएगा तो डिविडेंड हर साल पे करती है ये भी कंपनी, देखते हैं एक साल में दो दो बार पे की है अभी 2020 में। उसके बाद बोनस देखते हैं, कंपनी काफ़ी बार बोनस दी है, देख सकते हैं पूरे फार्मा सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा बार बोनस देने वाली स्टॉक में से एक है ये भी स्टॉक्स। उसके बाद देखते हैं फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ है 100 से लेकर के 1 रुपया तक, तो काफ़ी मतलब फेस वैल्यू पे स्प्लिट हुआ है, तो काफ़ी पुराना ये भी मतलब कंपनी है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है ये क्रिएट करके। उसके बाद नीचे चलते हैं तो इसका हम बैलेंस शीट आपको दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट पर देखते हैं कंपनी के पास रिजर्व 17,000 करोड़ का है, डेप्ट कंपनी के पास बिल्कुल जीरो है, क्योंकि 6 करोड़ का डेप्ट बिल्कुल जीरो डेप्ट हुआ एक तरह से, क्योंकि 17,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। उसके बाद नीचे चलते हैं, कैश और बैंक बैलेंस 523 करोड़ का कंपनी के ऊपर कैश और बैंक बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 215 का बुक वैल्यू है कंपनी के पास, काफ़ी बेहतरीन है ये भी। उसके बाद अगला है हमारा ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा करेंट प्राइस है 432 रुपीज़। एक दिन में 40% का इसमें तेज़ी आया था जब इसमें न्यूज़ आया था कि ये कोविड 19 का दवा बनाएगा, और इसका मार्केट कैप देखते हैं 12,000 करोड़ का है, तो मार्केट कैप भी काफ़ी कम है, मतलब ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी से मिड कैप कंपनी बनने जा रही है। बुक वैल्यू पी देखते हैं मात्र 9 का है, तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम है। उसके बाद जो हमारा मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स था काफ़ी दिनों से पिटा हुआ था, और इसके बाद अभी आप इसमें काफ़ी तेज़ी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें कॉर्पोरेट एक्शन में जाते हैं तो डिविडेंड कंपनी का देखते हैं, तो डिविडेंड देखते हैं हर साल पे करती है। बोनस में जाते हैं, एक बार 2005 में बोनस पे किया है। स्प्लिट में जाते हैं तो देखते हैं 2003-2007 में स्टॉक स्प्लिट हुआ है। बैलेंस शीट में देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो कंपनी का जो फंडामेंटल्स है सारे फंडामेंटल्स आपको देखने चाहिए। कंपनी में काफ़ी गिरावट आया था, काफ़ी स्टॉक्स पिटा हुआ था, उसके बाद अभी जो न्यूज़ आया था उसके कारण तेज़ी आई। 13,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, डेप्ट जो है 3,500 करोड़ का है, तो कंपनी के ऊपर डेप्ट भी अच्छा खासा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं तो कैश और बैंक बैलेंस 88 करोड़ का है। उसके बाद और नीचे चलते हैं तो कंपनी के ऊपर जो कंपनी का जो बुक वैल्यू बिल्डअप हुआ है काफ़ी बेहतरीन है, 468 करोड़ का।
उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है इप्का लेबोरेटरीज, तो ये लास्ट स्टॉक है। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स थे जो फार्मा सेक्टर से थे। तो इसमें से दो चार स्टॉक्स आपको अपना पूरा स्टडी करना है, पूरा अध्ययन करना है, रिसर्च करना है, और फिर आपको हमने सारे फंडामेंटल्स आपको दिखा दिए, फिर इसका टेक्निकल एनालिसिस आपको करना है, फिर इसमें बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, क्योंकि अगले दो तीन सालों तक कहा जाता है कि फार्मा के जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसका करंट प्राइस है 1662 रुपीज़, 6 रुपीज़ आज अप है, और यहाँ पर वैल्यूएशन पर जाइएगा तो इसका मार्केट कैप है 21,000 करोड़ का, पी रेशियो 32 का है जो कि इंडस्ट्री के लगभग इक्वल है, डिविडेंड 250% है, मतलब इसके अनुसार 5 रुपीज़ पर शेयर ये डिविडेंड पे करती है हर साल। कॉर्पोरेट टैक्स में जाएंगे तो डिविडेंड देख सकते हैं कंपनी हर साल पे करती है, देख सकते हैं। बोनस में जाते हैं तो एक बार बोनस पे किया है 2004 में, फिर स्प्लिट में जाते हैं तो देखते हैं 2010 में स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन में से एक है। फाइनेंशियल पे जाकर के कंपनी का सेल्स देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स देखते हैं लगभग कांस्टेंट रहा है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होते रहा है। नेट प्रॉफिट देखिएगा, नेट प्रॉफिट भी लगभग कांस्टेंट रहा है, थोड़ा सा मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट में गिरावट आया है, तो फिर इसमें हो सकता है कि अगले क्वार्टर में इसमें इंक्रीमेंट आए, तेजी देखने मिले। उसके बाद आप इस कंपनी का बुक वैल्यू देख सकते हैं, कंपनी का रिजर्व देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है ये देख सकते हैं, और सारे पी रेशियो आपको देखना है, जो भी यहाँ पर रेशियो है जो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेप्ट इक्विटी रेशियो सारे देखने चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का रिजर्व देख लीजिए, तो कंपनी के पास रिजर्व है 3,652 करोड़ का, यहाँ पर देखते हैं 3,652 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। उसके बाद डेप्ट है 387 का डेप्ट है कंपनी के पास। उसके बाद नीचे आते हैं तो कैश और बैंक बैलेंस 152 का कैश और बैंक बैलेंस है 152 करोड़ का, और बुक वैल्यू कंपनी के पास है कितना 291 का बुक वैल्यू है कंपनी के पास। तो काफ़ी बेहतरीन बुक वैल्यू बिल्डअप हुआ है। तो ये सारे फार्मा स्टॉक्स थे जो कि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स में से एक है, मतलब फार्मा सेक्टर्स के ये लीडिंग स्टॉक्स है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी स्टॉक्स अच्छा लगता है, मतलब दो चार स्टॉक्स आपको चुनने हैं उसमें से जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छा लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगले दो तीन सालों तक फार्मा स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपने देखा कई सारे फार्मा स्टॉक्स एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।